नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार सर। सचिन साहब सलाम। आदाब, शुक्रिया, सलाम, जय हिंद। राकेश भाई, कैसी तबीयत है अब? ठीक हो रही है धीरे धीरे सर। जी यार मैडम मेरे दो सवाल है आज। जी सर। एक तो मैंने गोम श्याम हुआ था, 2 महीना वजह 5 दिन हो गए मेरे को लेते हुए। तो टांगों में मेरी दर्द थी, पिंडलियां वगैरह की, वो तो कम हो गई। थकने तक जो पैर की उंगली तक जाता था, कमर में जकड़न हो गई बहुत ज्यादा। कल परसों से ना बहुत ज्यादा हो रही है, अभी सीधा भी नहीं हो रहा मेरे से। एक ठीक। सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल है मेरा, मैंने गोल मरेंगा मंगवाया था, तीन साल ने बोला था मेरे को, इसमें गोल और मोरिंडा का पाउडर बनाकर दूध से लेने के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें एक तो जैसे मजूरी की प्रॉब्लम होती है वो ठीक होगी, और क्या फायदे हैं इसके? बाद दो सवाल है इसमें। ठीक। हाँ, देखिए, जो आपकी पिंडलियों में दर्द होता था और खिंचाव या दर्द, तो ये जो नर्व थी ना, वो कमर में ही दबी हुई थी, दबी हुई है। लेकिन वो इतनी अच्छी हो गई है कि आपके पैरों का दर्द चला गया और कमर में अभी जो सेंटर होता है इसका, मैं अक्सर सबसे कहता हूँ कि हमारे अगर पैरों में दर्द होता है तो उसका सेंटर हमारी कमर में, डिस्क में होता है, जहाँ इस वक्त आपको दर्द बाकी रह गया है, बाकी सब चला गया, बहुत अच्छा। तो अब इसी की बारी है। जब बहुत ज़्यादा हो तो कभी दर्द की दवा ले सकते हैं, तो आपको बर्दाश्त आ जाएगी। एहतियात अभी तक लाजिम है, वही सब आप एहतियात तो करते ही। हमारे पुराने आप वीवर्स में से हैं और सब कुछ जान गए हैं, तो अब तो आपका ये शायद इसी महीने में आपको या आइंदा महीने में मुकम्मल फ़ायदा हो जाए। अब 10% रह गया है, भगवान से मदद मांगने की ज़रूरत है। और ये देखिए, बहुत सारे फ़ायदे करता है गॉन मोरिंगा और इसबगोल। जिनका वीर्य पतला हो उसको मजबूत करता है, जिनको पेशाब कंट्रोल से बाहर हो उसको अच्छा करता है, और किडनी की सफाई करता है, इन्फेक्शन को दूर करता है, क्रिएटिनाइन को ज़रूरत के मुताबिक करता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। चेहरे पे ग्लो आती है और मुहासे भी निकलना बंद हो जाते हैं, इससे बाल बहुत ग्रोथ करते हैं बाल, और भी बहुत सारे फ़ायदे। एक कोई दवा का मैं अगर फ़ायदे गिनाने लगूँ तो मुझे कई घंटे चाहिए एक दवा के फ़ायदे गिनवाने के लिए। तो आपकी ज़रूरत अगर इससे पूरी हो रही है तो बहुत अच्छा है, आप इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। जी।